ये चालू कर दिया, अब बोलो ये पजामा तेजस का हमने फेंक दिया, हम वीडियो में नहीं दिखेगा, एक बार दिख गया तो दिख गया कलर में। अब ये बच्चे हैं ना, मैं आधे घंटे से बोल रही हूँ फोन दे दो, वो जमीन पे पड़े हैं, लेकिन इनको टाइम नहीं है कि वो उठ जाए, अपने ठीकर अंदर रख के आ जाए या अपने बेड लगा ले। हद हो गई है भाई साहब, बंद करो, हो गया पूरा बिस्तर लगाओ, बंद करो, तुम आवाज मत करो, क्या हुआ वो दे दे, तेज चोला है मैं अभी छोऊंगा, तू किसके पास छोएगा, दिव्या आवाज का मना किया है, फिर मैं किस भाषा में बोलूं। रात के बजे हैं 10 बजने वाले, 9:30 हुए आई थिंक। ये बिस्तर पे लड़ रहे हैं, तेजू और मैं सोएंगे, कपू और दिव्या सोएंगे, फिर कपू हमारे साथ आ जाता है, फिर हम तीनों फंस जाते हैं। मैं भी फिर तूने फिर मैं बताऊं यार, हमारा तो क्या है ना, तो हम कैसे, मैं ये बिछा रही थी इसलिए बोला हटाया। कब झगड़ रहे हैं वो? हुँ? वो दोनों लड़ाई कर रहे हैं? नहीं तो? मैं फिर तेजू को कौन सुलाएगा? हाय कर, और कर क्या रहा? ये क्या तका तका ये। सुबह बहुत सारे कपड़े धोए मशीन में, पीछे बच गए, वो स्कूल से वापस आके धोए, इसके ये ड्रेस छोटी हो गई, नहीं नीचे मच्छर खाएंगे, नीचे गंदा हो रखा है, इसका हुआ है। और कपू के पास क्या है? कपू तेरे हाथ में वो है, वो क्या? मेरे को मोगली दिखा कपू, ये कपू का हाथ एक फोन है और इसमें ये मोगली देख रहे हैं, देखो हम भी देखते हैं क्या क्या होता है, कपू क्या कर रहे हो? मैं मोगली दिखा रहा हूँ दिया, अच्छा दिखा दिया, चल लगा देता हूँ, सेल लगा दे, अच्छा ऐसा कैसा, ऐसा कौन सा मोबाइल सेल लगा, चार्ज लगा, अच्छा चार्ज लगा देते, ये क्या कर रहा है? फोन छू, फिर तो तेरे को मोबाइल मिलना ही नहीं चाहिए, ऐसी हालत करेगा तब, फोन चुप हो जा, स्विच ऑफ हो गया, उठा उठा जल्दी उठा, हेलो कपू, हेलो, बस दोनों ऐसा लगता है तेजू जैसे हम दोनों इन दोनों को देखने को पैदा हुए, ये मैंने ले ली, मैंने माने दे दो मेरे को, मैंने ले ली, और ये मैंने खाने के लिए, चलो खाने खा ले, तो मैंने हशु, तो मैंने वानी ले ली, मैंने भी माने, तो मैंने हशु ले लिया, मैंने तो इसको जब सुलाते हैं दिन में तो बोलते तेरे को तू सो जा, आंखें बंद करके जब जागेगा तब मोगली दिखाएंगे। Hey guys, good morning. आ जाना, 4:30 उठी थी और फिर थोड़ी नाक में जलन हो रही थी क्योंकि रात को मैंने भुजिया खा ली थी और उसकी वजह से मैं वापस हो गई। अब 5 बजे वापस उठी, पता नहीं 5 बजे से पहले उठने में और 5 बजे से बाद में उठने में काफ़ी यूँ डिफरेंट होता है। चलो थोड़ा शरीर को ओके करते हैं और फिर काम पर लग जाते हैं। आज यान अपने लिए बादामें भिगोई है, मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स भिगोती हूँ शेक के लिए, लेकिन वो कहती अलग से भी मुझे बादामें चाहिए, तो इसने भी जो ही 8, 9, 10 पता नहीं कितनी। अब इससे रात को रोटियां बनाई, मैंने खाई नहीं, दिव्या ने खाई नहीं, कप्पू ने खाई नहीं, सिर्फ तेजस ने खाई, इतनी सारी बच गई, ये जाएगी अब गाय के।
दाल बना रही हूँ भाई साहब। उसके बाद तब तक दाल उबल जाएगी, फिर इसको तड़का लगा दूंगी, फिर बच्चों का टाइम हो जाएगा उठने का, इसलिए थोड़ी देर बाद पानी गर्म रखूंगी इस भगोले में। अब ये रोटी बनाने के लिए और मेरे ग्रीन टी बनाने के लिए पानी कैंपर से लेके आई। दाल में तो मैंने बदल कर ही डाल दिया, क्योंकि दाल अभी और जो है धुलेगी। ये हमारी ग्रीन टी पत्तों वाली है, बहुत कड़वी है, भूखे पेट पीती हूँ थोड़ा, यूँ है ना जी मच मच करता है, तो मैं ना 3-4 काजू खा लेती हूँ। व्रत में काजू खा सकते हैं क्या? इसको मैं ऐसे पीती हूँ, अभी इसको देख के मेरे बॉडी में ना झंझनाहट होने लग गई है। बहुत की आस्त। इतना कड़वा होता है। गलती से ये आ गई, मैं तो वो टी बैग्स वाली ग्रीन टी लाती हूँ जिसमें बैग डुबोया और निकाला पी लिया, ये पता नहीं गलती से आ गई। लेकिन हाँ, पूरे दिन है ना शरीर को इतना अच्छे से रखता है, बहुत एक्टिव, कोई गैस नहीं, कोई भारीपन नहीं, मतलब लाइट वेट पूरे दिन में। अब मैं ना कॉफ़ी पीऊँगी ना चाय पीऊँगी, कुछ नहीं, इस पर पूरा दिन निकल जाएगा और एकदम मस्त है। क्या मस्त है यार, पीने में तो जान निकल गई मेरी। मेरा मुंह अभी कड़वा हो रहा है भाई, शक्कर खा नहीं सकते क्योंकि ग्रीन टी पी है, खजूर खा सकते हैं। एक बार चढ़ाया था फिर मैंने अंदर रख दिया था, मैं हर किसी को देती नहीं हूँ अपनी नई चीज, कढ़ाइयां भी मैं छुपा छुपा के रखती हूँ भाई। मेरे को है ना मेहनत करनी बिल्कुल जचती नहीं, कोई बर्तन काला हो जाता गंदा हो जाता उसको घिसना मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए थोड़ा पहले बचा के रख लेती हूँ, जितना बचता बच जाए और उसके बाद काला कलूटा हो जाए तो फिर क्या कर सकते हैं। हमारे बच्चों के जब सर्दी आती है ना तब एक्चुअल में गर्मी आती है, शॉर्ट स्लीव्स पहनना शुरू कर देगा, निक्कर पहनना शुरू कर देगा और कप्पू तो कुछ ही मत, सर्दियों में तो ऐसे खुल जाता है ऐसे। तो गाइस ये देखकर बड़ा दुख हुआ कि अभी 2 बार यूज किया इसकी पॉलिश उतरी हुई है, कहीं घिस गया पता नहीं कहां से उतरी है, लेकिन उतर जरूर गई है। और हाँ, आप लोग कहते हैं रोज ब्लॉग बनाइए, ब्लॉग तो मैं बना दूँ लेकिन ज़्यादा लाइक्स ज़्यादा व्यूज नहीं आते हैं तो वीडियो चलती नहीं है, कम चलती है, कम मैं अब मैं काम करूँ वीडियो बनाऊँ, तो थोड़ी हेल्प कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा ब्लॉग को ज़्यादा व्यूज दीजिए। वैसे कल पहली बार में 6,000 व्यूज आए थे शायद, खूब आए थे क्योंकि कभी ब्लॉगिंग इस पर की नहीं है। गाइस दुख दर्द प्रॉब्लम्स परेशानियां बहुत है लेकिन आपको दिखा नहीं सकते। बात ये है अब ये ब्लॉग बनेगा तो फोन फुल हो जाएगा, फिर हाथों हाथ इसको एडिट करके और अपलोड करके फिर सारी क्लिप्स डिलीट करनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये है कि फिर भूल गई वापस आती हूँ। अच्छी है, क्या हो रहा है ये बच्चा ऐसे चौड़ा हो के खाता है, पहले इसने बनाना शेक खाया पिया, अभी ये खा रहा है मखाने और फूलिए, तेजस के लिए बनाए थे, तेजस बोल रहा मैं साथ में लेके जाऊंगी। इसको 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 गरम झोंका देना, कप्पू गर्मी कहाँ है सबसे ज्यादा, ए सबसे ज्यादा गरम हवा का पहला झोंका। इसको इसका ब्लेजर बहुत गर्म लगता है तो ये सुबह आते ही पहले तो इसमें घुस गया था ऐसे, तो है ही नहीं। और वैसे इसका ब्लेजर इसके 4 गुना साइज का है तो कप्पू जैसे 3-4 बच्चे तो आ ही जाएंगे इसमें। जल्दी करो, बिस्तर समेटे मैं जाके देखती हूँ।
तेजू ने नहीं समेटे। मम्मी बहुत समेट दूंगा। ठीक तो क्या है? अब क्या कहती है, भारी पड़ अब है ना, ठंड में पानी पीते नहीं मैं और कपड़े तो? जाओ बाय करो, अब मेरे लेट हो रहा है। जा रही है ना, मेरे जितना खूबसूरत कोई हो सकता है? आपकी प्रो मैक्स हूँ सच में, अभी तक चौड़ा हो गया। मेरे ये गठगठीले बाल सुलझाने में मेरा एक कंघा टूट गया, लाखों का नुकसान हो गया। और ये बाल गठगठीले इसलिए है कि रात को, पूरी रात इस बच्चे ने मेरे बालों में कबड्डी खेली थी, ऐसे उलझा दिए और इतनी गांठें आ गई कि आज मेरे बाल इतने टूट गए। ये सारी गांठें हैं इसमें। हो गए तैयार, सब कुछ उठा के, बैग वगैरह सब उठा के अब हम चल रहे हैं। कबू बोलो बाय 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 बाय।